ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं 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 शमशानवासिनी महाउग्र रूपिणी महिषासुर मर्दिनी खड़गपालिनी चंड मुंड नाशिनी महामाया काल रूपा काली मम शत्रुन्मारय मारय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय मांसम खादय खादय रक्तम पिब पिब क्रीं ह्रीं क्लीं ओं फट स्वाहा। ओम ह्रौं काली महाकाली गिल गिल फट स्वाहा। आज हम आपको एक शत्रु नाशक मंत्र के बारे में जानकारी देने वाले। वैसे तो इस मंत्र की जानकारी हम पहले ही आपको दे चुके हैं, मैं विधि विधान के मंत्र का श्रवण भी हमने आपको करा रखा है, लेकिन कुछ लोगों ने प्राइवेट चैट में हमें लिखा था कि इस मंत्र का विधि विधान दोबारा से हमें बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, मंत्र आपने सुन लिया अभी अभी, इसी मंत्र का विधि विधान है। समस्त प्रकार के शत्रुओं का संहार करने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। अघोर काली का यह मंत्र माना जाता है और इसका पूजा विधान भी अघोर ही माना जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ जो भी तंत्र मंत्र प्रयोग किए जाते हैं, सभी की साधना सात्विक रहती है। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिसमें अघोर में ज़्यादातर मदरा का तो पालन कर लिया जा सकता है, लेकिन मांस और बलि का प्रावधान हमारे यहाँ मंत्रों में नहीं माना जाता। चलिए, इस मंत्र का हम आपको विधि विधान बताते हैं। यदि आप शत्रु से वाकई परेशान हैं, देखिए वैसे शत्रु के विधि विधान बताना हमारे चैनल पर खिलाफ माना गया है, लेकिन फिर भी अब बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि अब अति हो गई है, परेशान हो गए हैं, तो इसमें हम आपको विधि बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि विधि में त्रुटि करने पर स्वयं को भी नुकसान होता है। इस मंत्र को पहले तो कंठस्थ करिएगा और इस वीडियो को स्किप करिएगा, इसी वीडियो को स्किप करिएगा। लास्ट में हम 10-25 बार मंत्र आपको यह श्रवण करने के लिए मंत्र के वीडियो के लास्ट में मंत्र 10-25 बार श्रवण करने के लिए आपको उपलब्ध कराएंगे, तो सुन लीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको, क्योंकि पढ़ पढ़ के देखिए कम ही याद होता है, सुनते हैं और साथ साथ में दोहराते हैं तो मंत्र बड़ी जल्दी ही याद हो जाएगा। शनिवार की अमावस्या जो पड़ती है, शनिवार के दिन की अमावस्या पड़ती है, उस अमावस्या के दिन से इस मंत्र का विधि विधान शुरू होता है। लेकिन ये निश्चित है कि शत्रु 24 से 72 घंटे में समाप्त हो जाता है, किसी भी प्रकार का शत्रु हो तो। शनिवारी अमावस्या की रात्रि में 12 बजे से इस मंत्र को शमशान भूमि में बैठकर तेल का दीपक जलाकर लोभान कपूर जलावे, साधना में निर्वस्त होकर काला हकीक होता है, पत्थर होता है, उसकी माला से मंत्र का जप आरंभ करें। ऐसा इस मंत्र का कठिन विधान है। यदि वाकई शत्रु का विनाश करना है तो विधि आपको अपनाने ही पड़ेगी, ठीक है। तो जप आरंभ करें, 11 माला प्रतिदिन जपें, इसका एक दिन का विधान नहीं है, और 41 दिन तक हर शनिवार को इस मंत्र के द्वारा आप नींबू की जायफल की बलि जरूर अर्पण करें और लगातार 41 दिन तक इस मंत्र की माला जपते रहे। 41वें दिन यह मंत्र पूर्णतया उग्र ऊर्जा में होता है और उग्र ऊर्जा में होने के कारण इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि किसी भी प्रकार के शत्रु का संहार यह मंत्र कर देता है। अब वो देखिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस मंत्र का कैसे प्रयोग करेंगे। आप चाहें तो इसका भूत प्रेत नाशन में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शत्रुनाशक चाहे काली माता के मंत्र हो, नारायण जी के हो, नरसिंह भगवान के हो, किसी और अन्य देवी देवताओं के शत्रुनाशक मंत्र हो, वो भूत प्रेत बाधाओं पर बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। कहा जाए तो इंसान पर एक कदम पीछे रहेंगे, लेकिन भूत प्रेतों पर तो जुड़ंतन ही असर कर देते हैं और तत्काल ही भूत प्रेत बाधाओं का शमन हो जाता है। तो 41वां दिन जब आपका पूरा हो जाए, उस दिन आपको उड़द की जो दाल होती है उसके आटे की एक पुतली बनानी है, छोटी सी पुतली बनाइएगा जिसके दो हाथ हों, दो पैर हों, मुंह हो, ऐसा आपको एहसास हो कि ये पुतला है। अपने शत्रु के द्वारा उपयोग किया हुआ वस्त्र, उपयोग की हुई कोई सामग्री या उसके शरीर के अंश जैसे नाखून बाल, ऐसी चीजें इस पुतली के सीने में आपको थोड़ा सा होल करके उसके अंदर रख के और बढ़िया से बंद कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद 41वें दिन की क्रिया है, 41 दिन तक तो लगातार आपको जाप ही करना है, 11 माला प्रतिदिन ही आपको जाप करना है। फिर उड़द के आटे की जो पुतली है उस पर अपने शत्रु का नाम भी लिखना है पीठ के पीछे। सामने तरफ से तो आपने सामग्री भर दी उसके अंदर,
पीठ के पीछे अपने शत्रुओं का नाम भी लिखना है लाल रंग की स्याही से। आप चाहें तो सिंदूर से भी लिख सकते हैं, कोयले से भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। और लाल रंग का हो तो अति उत्तम है, जैसे कि चंदन हो गया, केसर हो गया, ऐसी चीज़ों से भी आप लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद एक आप गड्ढा खोदेंगे, कम से कम 1 फीट 1.25 फीट का गड्ढा तो होना ही चाहिए। गड्ढा खोदने के बाद नीचे उसमें बढ़िया से कपड़ा सॉफ्ट वाला लगाएंगे और उसके अंदर उस पुतले को आप रख देंगे। नींबू और जायफल दोनों को काली माता के ऋषि मंत्र को पाठन करते हुए ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम 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 शमशान वासिनी महाउग्र रूपिणी महिषासुर मर्दिनी खड़गपालिनी चंडमुंडनाशिनी महामाया काल रूपा काली मम शत्रुन माराय माराय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय मांसम खादय खादय रक्तम पिबिबिब क्रीम ह्रीम क्लीम होम पट स्वाहा। इस तरह का मंत्र पढ़ते हुए जायफल पर बढ़िया से टीका चंदन करिए, नींबू के ऊपर भी सिंदूर अर्पण करिए, उसका भी टीका चंदन करिए, हल्दी से उसके ऊपर टीका लगाइए। इसके बाद तेज धार वाली सामग्री से नींबू को 2 टुकड़े करके इसी पुतली के ऊपर वो टुकड़े आप रख दीजिए। जायफल के सरौती के साथ आप 2 टुकड़े कर सकते हैं, या चाकू के सहारे भी हाथ ना काट लीजिएगा, क्योंकि जायफल मजबूत होता है, तो चाकू के सहारे भी आप कैंची के सहारे भी उसे काट सकते हैं और इसी पुतली के अंदर उनको रख देना। इसके बाद काली गुंजा कम से कम 2 होनी चाहिए। इसी मंत्र का पाठन करते हुए काली गुंजा भी इसी पुतले के ऊपर आपको डाल देना है। ऐसा करने के बाद आपको चिता की राख, आसपास जो भी चिता है, वैसे भी ये क्रिया आप शमशान में करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपको चिता की राख मिल ही जाएगी। चिता की राख थोड़ी सी लेकर इसी मंत्र को पाठन करते हुए उस पुतले के ऊपर आपको डाल देना है। अब लेना है आपको देशी वाली मदरा, जो भी महुआ की मदरा होती है, गांव देहात में आसानी से मिल जाती है, उस मदरा को लेना है। इसी मंत्र का पाठन करते हुए पुतली के ऊपर ही आपको मदरा की धार लगा के और अर्पण कर देनी है। ऐसा करने के बाद आपको वो गड्ढा बंद कर देना है और अपने घर वापस आ जाना है। काली माता से बाकायदा प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है कि मेरा यदि शत्रु कसूरवार है तभी उसको सजा मिले। अपने हिसाब से अपने शब्दों में प्रार्थना कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी शत्रु नाशक मंत्र होते हैं वो भूत प्रेत बाधाओं में सहायक होते हैं, परोपकार में सहायक होते हैं। जब किसी जिंदा व्यक्ति को आप क्षति पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी ये मंत्र इतनी क्षति पहुँचाते हैं, हमको करने वाले के ऊपर भी पहुँचाते हैं, कि पूरा हमारा वंश हिल के रख जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो गया है। तो ऐसे ही जब विधियां करें, मंत्र का प्रयोग करना वर्जित नहीं है, मंत्र का हमने बताया, इसे परोपकार में भी प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन जब शत्रु नाश विशेष प्रयोग करें तो किसी विशेष जानकार से आप सलाह जरूर लें। अब हमने कहा कि 41 दिन तक लगातार निर्वस्त होकर काले हकीक से इसकी आपको माला जप करनी है, 11 माला प्रतिदिन शमशान में। तो शमशान में जब इसकी आप माला जप करेंगे तो आपको आपकी सुरक्षा का प्रबंध पक्का करना है। एक विशेष जानकार व्यक्ति आपके आसपास होना चाहिए जो आपके शरीर का कायदे से बंधन कर पाए, या आपके पास स्वयं इतना मजबूत कवच होना चाहिए जिसका काटन कोई ना कर पाए, ऐसे आपको कवच धारण करना है। आसन बंधन बहुत जरूरी है इसमें, तो आसन बंधन पक्का सिद्ध करके आसन बंधन करिएगा। कई लोग सोचते हैं कि आसन बंधन मंत्र उन्होंने देख लिया और 10-25 बार पढ़ा और उनका कार्य हो गया, ऐसा हम भी बताते हैं, बहुत सारे मंत्रों में बताते हैं कि ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन जहाँ शत्रु नाश का प्रयोग आप कर रहे हैं वहाँ पक्का आसन बंधन मंत्र को पहले भी कभी आप 11 माला जब के उसको सिद्ध करिए, 10% उसका हवन करिए, तो आपका आसन बंधन मंत्र सिद्ध माना जाएगा। फिर उस मंत्र का आप 11 से 21 बार प्रयोग करके अपने आसन को बांधिए। कीलन का भी इसी प्रकार है, कंकाली कीलन मंत्र आपने हमारा सुना होगा, कंकाली कीलन मंत्र को भी पहले 11 माला जप करिए किसी विशेष मुहूर्तों में, जैसे नवरात्र में, दीपावली, एकादशी में, और इसके बाद आप उसका 10% हवन करिए और फिर इस शत्रुनाशक मंत्र के प्रयोग करते समय उस मंत्र के अपने चारों तरफ चारों दिशाओं का कीलन करिए। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद एक सुरक्षा कवच, पक्का सुरक्षा कवच, जैसे भैरव कवच, वीरभद्र कवच, शिव अघोर कवच, और इसके अलावा बहुत सारे हैं, नारसिंह सुरक्षा कवच, ऐसे कवच हैं जो पक्के बनाए गए हों। देखिए पढ़ना अलग विषय होता है, कवच जब बनाए जाते हैं तो उनका 51,000, 31,000, 21,000 मंत्र का जप किया जाता है, तो उसका हवन किया जाता है, उसमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं, तब जाके उस कवच का निर्माण होता है। उसके अंदर भोजपत्र में बीजों को लिखकर भी डाला जाता है और फिर एक ताबीज का निर्माण किया जाता है।
उस कवच को आप धारण करेंगे तो आपके शरीर की पूरी तरह सुरक्षा होगी। इसमें आप काली कवच का भी प्रयोग कर सकते हैं, तंत्रोक्त काली कवच होते हैं, तंत्रोक्त काली कवच के मंत्र होते हैं, उन मंत्रों के द्वारा भी आप कवच बना सकते हैं, लेकिन उनकी जप संख्या बहुत ज़्यादा लंबी होती है काली तंत्रोक्त की और अघोर कवच की, नारसिंह कवच की, इनकी 51,000 21,000 में जप में भी ये अच्छे कार्य कर जाते हैं। कवच यदि कोई नहीं है किसी के पास तो आप कवच हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, और कवच धारण करने के बाद भी इस मंत्र की आप साधना करेंगे शत्रुनाश में, तब जाके आपका यह शत्रुनाश का मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपका मंत्र कार्य कर जाएगा। एक बार इस मंत्र का जापन करने के बाद आप एक साल तक इस मंत्र का बिना सिद्ध किए हुए प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि उड़द की दाल की आपको पुतली बनानी है, तो हर 30वें दिन आप एक पुतली बनाकर अपने शत्रु का नाम लिखकर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं बिना सिद्ध किए हुए। शुरुआत में 41 दिन तक इसको आपको जपना अनिवार्य ही है। थोड़ा सा विधि कठिन है, करने वाले करते हैं, जैसे मंडला क्षेत्र में चले जाइए, झाबुआ क्षेत्र में चले जाइए, वो लोग करते हैं, इतनी लंबी विधियाँ करते हैं और इसके परिणाम भी निकल के आते हैं। उन्होंने तो इसका बिजनेस तक बना के रखा है कि आपसे धन लेंगे, आपके लिए विधि करेंगे, आपके लिए मारण भी चलाएंगे, क्योंकि उन लोगों को उतना अनुभव नहीं है कि मेरे वंश के साथ, मेरे परिवार के साथ, भविष्य में मेरे बुढ़ापे में इस मंत्र का मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा या मेरी आने वाली वंशावली पे इस मंत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। और लगे अत्याचार मंत्रों के जरिए करते हैं। अभी तो मान लो सुरक्षा उनकी पक्की रहती है तो भैया बच जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें कष्ट झेलना ही पड़ता है, क्योंकि जितने भी शत्रु विनाशक मंत्र होते हैं उनमें कष्ट चलाने वाली को झेलना पड़ता है कभी ना कभी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक विशेष गुरु जो कि आपको सही सलाह दे सके, ऐसे गुरु को वो आपकी सुरक्षा कर सके, क्योंकि अक्सर शत्रुनाशक जब मंत्र हम पढ़ते हैं, जब करते हैं या उनकी साधना करते हैं, तो हमें भयावह चेहरे, भयावह स्थितियाँ, डरावनी शक्तियाँ हमारे आसपास बिल्कुल मर्राती रहती हैं, और शमशान की स्थिति है तो समझ लीजिए बहुत खतरनाक होती है। तो कोई ना कोई जानकार, ऐसा जानकार जो आपके शरीर की पक्की सुरक्षा कर पाए, वहाँ अपने आसपास उसको जरूर रखिए, ताकि आप यदि विलीन होने लगे, आपका मन विचलित होने लगे और आपकी पूजा खंडित होने लगे, आप कंट्रोल ना कर पा रहे हो किसी चीज़ को, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको कंट्रोल कर सके, आपकी शक्तियों को कंट्रोल कर सकते, ऐसा उन सब शक्तियों से आपको बचा सके, आपकी सुरक्षा कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास होना अनिवार्य है। बाकी आप पहले से कोई विशेष प्रत्यक्ष साधना कर चुके हैं उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत नहीं है, वो समझदार होते हैं प्रत्यक्ष साधना में देवी देवता कैसे आते हैं, क्या क्या हमें कष्ट हो सकते हैं, क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष साधना करी है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये विधि समझाना जरूरी नहीं है कि सुरक्षा का इंतजाम करें, वो खुद समझदार होते हैं कि हमें कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए 5-6 बार इस मंत्र का श्रवण करते हैं। और भैया, इस मंत्र को प्रयोग करने से पहले फोन जरूर लगा लीजिएगा या अपने आसपास के किसी गुरु से विशेष सलाह लीजिएगा, तभी इसको करिएगा, क्योंकि इसमें अक्सर जान का खतरा बना ही रहता है। हमने देखा है कि 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो इस मंत्र की साधना करते समय निपट जाते हैं, क्योंकि साधना कई बार विकृत हो जाती है। हाँ, इसी मंत्र की साधना आप साधारण निस्वार्थ भावना से करेंगे, परोपकार हेतु भूत प्रेत समन के लिए, क्योंकि यह मंत्र भूत प्रेत समन में भी कार्य आता है, तो फिर इस मंत्र से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ तक कि आपको फिर तो कवच की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसके लिए 41 दिन करने की जरूरत नहीं होती। नवरात्रि में किसी भी दिन 11 माला जप कर लीजिए और कभी भी इस मंत्र से भूत प्रेतों के बारे में प्रार्थना करती हूँ कि भगवती इसके भूत प्रेत भस्म हो जाए, इसके भूत प्रेत शत्रुओं का भक्षण कर लीजिए, इसके रोग शत्रुओं का भक्षण कर लीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस मंत्र से आप झाड़ा लगाएंगे, भूत प्रेत शक्तियाँ, दुष्ट शक्तियाँ, तंत्र शक्तियाँ, ये सारी तत्काल ही माता काली भक्षण कर लेगी। ठीक है, आप हमने अच्छी तरह से आपको समझा दिया। अब लोगों ने मांगी थी विधि, इसीलिए बताना मजबूरी है, क्योंकि कब तक रोकेंगे, लोगों को ज्ञान देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए मंत्र को श्रवण करते हैं। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और दिन का विशेष ध्यान रखिएगा, शनिवार अमावस्या होनी चाहिए, तभी शत्रुनाश की यह विधि आपकी शुरुआत हो पाएगी। ओम ह्रीं ह्रीं ग्लीं ग्लीं शमशान वासिनी महाउग्ररूपिणी महिषासुरमर्दिनी खड़गपालिनी चण्डमुण्डनाशिनी महामाया कालरूपा काली मम शत्रून् माराय माराय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय मांसं खादय खादय रक्तं पिबिबिब क्रीं ह्रीं ग्लीं हों फट स्वाहा। ओं ह्रों काली महाकाली किलि किलि फट स्वाहा। ओं ह्रीं ह्रीं ग्लीं 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 शमशान
वासिनी महाउग्र रूपिणी महिषासुर मर्दिनी खड़गपालिनी चंड मुंडनाशिनी महामाया काल रूपा काली मम शत्रुन् माराय माराय भक्षय भक्षय द्रोटय द्रोटय मांसम खादय खादय रक्तम पिबिब क्रीं ह्रीं क्लीं हूं फट स्वाहा। ओं ह्रीं ह्रीं क्लीं 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 शमशान वासिनी महाउग्र रूपिणी महिषासुर मर्दिनी खड़गपालिनी चंड मुंडनाशिनी महामाया काल रूपा काली मम शत्रुन् माराय माराय भक्षय भक्षय द्रोटय द्रोटय मांसम खादय खादय रक्तम पिबिब क्रीं ह्रीं क्लीं हूं फट स्वाहा। ओम रोम काली महाकाली किलकिली फट स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं 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 शमशान वासिनी महाउग्र रूपिणी महिषासुर मर्दिनी खड़गपालिनी चंड मुंडनाशिनी महामाया काल रूपा काली मम शत्रुन् माराय माराय भक्षय भक्षय द्रोटय द्रोटय मांसम खादय खादय रक्तम पिबिब क्रीं ह्रीं क्लीं हूं फट स्वाहा। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना श्रवण आपको ठीक ठाक लगा होगा। बाकी इसका 108 बार आपको श्रवण करना है, तो 2-4-10 दिन रुक जाइए, इसका 108 बार श्रवण फिर से आपको उपलब्ध करा देंगे। और वैसे भी चैनल पे पुराने समय में जैसे पिछली नवरात्रि के आसपास या उससे पहले हमने इस मंत्र को 108 बार श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने मात्र से भी प्रभाव दिखा देता है। और आपके शरीर में किसी प्रकार का शत्रु छिपा है, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु, भूत प्रेत शत्रु, तत्काल ही आपको इसका प्रभाव नजर आएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय काली मैया।